हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ वीडियो में। जी हाँ, मैं बताने वाली हूँ कि एक ही बार में विंग आईलाइनर आप कैसे लगा सकते हो परफेक्ट तरीके से। ये वीडियो ना उनके लिए है जो कि नए हैं, बिगनर्स हैं, जिनको नहीं आता है आईलाइनर लगाने, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ मैंने कलर सेंस का लिक्विड आईलाइनर लिया है, काफ़ी अच्छा ये आईलाइनर है, और टूथपिक लिया है। टूथपिक की हेल्प से भी आप आईलाइनर लगा सकते हो। तो टूथपिक की हेल्प से कैसे लगाएंगे वो भी देखिएगा आप। तो सबसे पहले मैं आईलाइनर लगाऊंगी अपने आँख के मिडिल एरिया से। आपको अगर आसानी लगता हो तो आप साइड से भी ला सकते हो, पर मिडिल से आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो मिडिल जो एरिया है उसमें एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे, फिर सेकेंड पॉइंट थोड़ा उससे बड़ा बनाएंगे, फिर थर्ड में भी आप एक पॉइंट बना सकते हो, पर अगर आप एक पतला सा विंग पहले बना लीजिए। पतला सा विंग बनाएंगे हम, कॉर्नर पे, आंख के कॉर्नर पे पतला सा विंग ऊपर से नीचे की ओर ले आएंगे, और फिर हम जो वो पॉइंट बनाए थे उसको फिल करेंगे हम। तो जैसे आप वी बनाते हो ना, तो वैसे ही आपको ऊपर से वी जैसा बना के लाना है, और उस जो हमने पॉइंट बनाया था उस पॉइंट को फिल करना है। तो धीरे धीरे हम करेंगे, बहुत तेजी से नहीं। आईलाइनर लगाने में कभी भी आप जल्दी मत करिएगा, क्योंकि आईलाइनर बहुत जल्दी बिगड़ता है। और अपने हाथों को ना आप गाल पे रख के आईलाइनर लगाइए, इससे हिलेगा नहीं आपका जो हाथ है, या आईलाइनर लगाते हो तो हिलेगा नहीं। उस बिगनर्स के लिए है ये, तो अपने हाथों को गाल पे रख के लगाइएगा आराम से, धीरे धीरे, कोई भी जल्दी मत करिएगा। और अगर खासकर आप अगर बिगनर है ना, तो जो पेंसिल स्केच वाली आईलाइनर आती है वो आप यूज करिएगा, उससे आपको और आसान रहेगा आईलाइनर लगाने में। लिक्विड से ज्यादा सही वो रहता है जो बिगनर से उनके लिए, क्योंकि आपको आता नहीं है, सीख रहे हो आप, तो बिगड़ने का डर रहता है। तो स्केच वाले से ना ज्यादा इजी हो जाता है आईलाइनर लगाना। तो उसको हम धीरे धीरे फिल करते हुए अंदर तक ले आएंगे। और यहाँ पहले मैंने पतली सी लाइन खींची है, उसके बाद एक बार आईलाइनर लग जाए उसके बाद आपको कितना मोटा रखना है, कितना पतला रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आपको थोड़ा थिक रखना है, तो उसी लाइन से धीरे धीरे ऊपर से आप बढ़ाते जाओ, तो थोड़ा थिक हो जाएगा। अगर आपको लाइनर पतला रखना है तो ये सही है, उस हिसाब से धीरे धीरे आपको लाना है, कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। तो ये देखिए, अब विंग आपको कितनी लंबी रखनी है, छोटी रखनी है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको थिक करूंगी, तो ये देखिए आईलाइनर लग चुका है मेरा। और पतला रखना है, मोटा रखना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो धीरे ही धीरे करना है, उसी लाइन पे धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइएगा। तो ये एक आँख में मेरा आईलाइनर लग गया है। अब सेकेंड आईज में मैं आपको दिखाऊंगी कि टूथपिक की हेल्प से आप कैसे लगा सकते हो। टूथपिक हो या जो जूड़ा पिन आती है पतली वाली, उससे भी आप लगा सकते हो, या फोक आता है फोक से भी आप लगा सकते हो। ये देखिए, टूथपिक पे आप पहले किनारे की ओर थोड़ा सा आईलाइनर लगा लो, देखिए थोड़ा सा लगा लो। कुछ लोग सेलो टेप से भी लगाते हैं, सेलो टेप से मुझे नहीं लगता कि जो बिगनर्स हैं उनको सही रहेगा, क्योंकि सेलो टेप ऊपर लग जाए नीचे लग जाए परफेक्ट तरीके से नहीं बिगनर्स कर सकते हैं। तो टूथपिक से आप बहुत आराम से लगा सकते हो, या ऐसी कोई पतली सी चीज हो, जूड़ा पिन हो, उससे भी आप। तो टूथपिक में हमने थोड़ा सा लाइनर लगा लिया है, अब उसको हम अपनी आँख के कॉर्नर की तरफ से हल्के हाथ से पहले करेंगे। ये देखिए, एक ही बार में
विंग बन गया है। अब हम पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट चाहे ना भी बनाओ, अब विंग बन गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। और फिर ऊपर से हम भी इसको कर लेंगे, वी जैसे बनता है ना, वी बना लेंगे। अब हम इसको आईलाइनर से फिल कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो विंग बन चुका है टूथपिक की हेल्प से, अब आप आपको बस फिल करना है। तो ये देखिए, वीडियो थोड़ा जूम हो गई है, मुझे लगा कि आप लोग को देखने में दूर रहेगा ना तो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए वीडियो थोड़ी जूम हो गई है। ये देखिए, इसे हम किनारे से धीरे धीरे पतली लाइन खींचते हुए आएंगे, बहुत हल्के हाथ से करना है, धीरे धीरे करना है। और वही अपने हाथों को गाल पर रख के आराम से करिएगा, देखिए धीरे धीरे फिर इसको ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे। पॉइंट बना लेंगी ना तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, जैसे मैंने उस आंख में बनाया था पॉइंट, वैसे अगर आप पॉइंट बना के करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो बस इसको फिल कर लिया, लग गया लाइनर, मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। और आप अगर टूथपिक की हेल्प से करेंगे तो आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत इजीली लग जाएगा। और विंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना विंग चाहिए आपको और लाइनर कितना चौड़ा चाहिए पतला चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये दोनों इजी स्टेप थे आईलाइनर लगाने के, आप पहली बार में बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे आईलाइनर लगाना। तो मुझे आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी आईलाइनर लगाना सीख जाए, जो बिगनर्स हैं उनको ये हेल्प मिले। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो पे नए हैं, वो लोग चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।